संजीव एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के ला रहा हूँ लेकिन ये जो सामने बॉडल देख रहा है ना प्रोडक्ट इसको प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा नहीं वो चांस की बात है कि सामने आ गया है और हम लोग हैं ड्रीम टेरा रिसोर्ट शीतला के तलमोड़ा द्वारा प्रायोजित एक आर्टिस्ट सिम्पो में हम लोग आए हुए हैं तो उत्तर प्रदेश से कुछ चित्रकार हमारे बीच में आए हैं लेकिन काफ़ी डर लग रहा है उन्हें पहाड़ों से लेकिन मैंने कहा चलो आज आपका डर दूर करें तो इस तरीके से हाँ जी कैसा लग रहा है बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है हम्म अच्छा। गुड आप तो नहीं डर रहे हो ना पहाड़ियों से लेकिन यहाँ पहाड़ियाँ कुछ भी नहीं है अगर सही पहाड़ियाँ देखें तो पिथौरगढ़ एरिया में बहुत पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ गढ़वाल एरिया में काफ़ी तीखी हैं हिमाचल में काफ़ी तीखी पहाड़ियाँ हैं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है ये तो जो कुमाऊँ रीजन है ना यहाँ तक के तो यहाँ पे अल्मोड़ा में अल्मोड़ा और नैनीताल में ना इतनी गहरी पहाड़ियाँ नहीं हैं मतलब तो बड़ी खाइयाँ नहीं हैं लेकिन चीज़ें हो जाती हैं कहीं चलते रहती हैं तो दोस्तों तो ये जंगलों का हाल देख रहे हैं बड़ा बुरा हाल है और इस बार तो कुमाऊँ के तमाम जंगलों में आग लग गई थी और जंगल तो जले ही जले पत्थर भी जल गए तो ऐसे हालात में तो ऐसे में गर्मी भी बढ़ गई और जब पहाड़ों का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो लोग आएंगे कैसे है ना तो पहाड़ से कैसे पर्यटक मतलब तो प्लेन से कैसे पर्यटक पहाड़ में आएंगे जब उतनी गर्मी पहाड़ में होगी तो ये हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है जो लोग पहाड़ के लिए निवासी हैं कि जंगलों की आग को काबू में रखें जंगलों में आग ना लगाएं जो तो ये पिरुल है ना मैडम ये इसे पिरुल कहते हैं हमारे वहाँ ये ये और ये पाइन आ, इसे बोलते हैं पाइन नडल्स ये इसकी पत्तियां हैं चीड़ की और ये बिल्कुल ऐसी हैं कि पेट्रोल है इसमें अगर माचिस लग गई तो फिर ये या कुछ भी आग या सिगरेट वगैरह ऐसे लोग छोड़ देते हैं लापरवाही रखते हैं तो जिसके कारण क्या हो जाता है ना आग बहुत तेज़ी से फैल जाती है और कुछ ग्रामीण लोग भी लगा देते हैं ताकि वो देखते हैं कि बरसात में घास उग जाएगी और उस घास को खेतों में लोग डालेंगे ये इस रोड पे चलने वाली एक रेगुलर बस है दोस्तों तो बहरहाल आओ कभी पहाड़ और हम दुआ करते हैं कि ये जंगल थोड़ा हरे भरे रहे और आग वाग ना लगे तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लिसुड़ा? पेड़ लगा। हाँ, लिसुड़ा मैडम लिसुड़ा, लिसुड़ा? लिसुड़ा? चीड़? लिसुड़ा चीड़? नहीं एक वो खाने वाला जो पता है। अरे वो तो काफल है नहीं जो एक सब्जी भी है अच्छा लिंगुड़ा 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 हाँ वो फर्न नहीं है वो बरसात वो थोड़ा मोटा होता है ना? जी 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 होता है। जो लिंगुड़ा जो एक तरीके की फर्न है ना जैसे पहाड़ में खाया जाता है पूरे पहाड़ में खाया जाता है और हर हर जगह खाया जाता है आदिवासी सीरिया में आयरन बहुत ही होता है उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है और वो स्पेशली पाया जाता है ना ये जो नमी वाले गधेरे जैसे होते हैं जैसे ये जो एक नाला जैसा दिख रहा है ना जिसमें बराबर नमी रहती है तो वहाँ फर्न होता है तो उन्हीं फर्न में से एक ख़ास किस्म का फर्न होता है जैसे लोग सब्ज़ी बनाते हैं उसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पूरे पहाड़ में खाया जाता है बहुत अच्छी सब्ज़ी दिखे आप पहाड़ से आकर के भी लुंगड़े को इतने अच्छे से जानती हैं तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मैं बस इन टूरिस्ट के साथ घूमने आया हुआ था मैंने कहा चलो थोड़ा डर डर आपका पहाड़ का लेकिन एक बार में नहीं निकलता ना धीरे धीरे निकलता है नहीं डर अपनी जगह लेकिन हम लोग पहाड़ों से बहुत प्रेम है प्रेम है तो हम लोग की धरोहर है वो पहाड़ तो हम लोगो को तो बहुत ज्यादा आगा प्रेम आगा कहना चाहिए बेसक बेसक और इतने अच्छे लोग है वहाँ के प्यारे वो पिछौड़ा इस बार पिछौड़ा भी लेना है हमें अच्छा कि चौड़ा एक बड़ा अच्छा होता है पीला पीला अच्छा 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 हाँ। पिछड़ा 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 ठीक है ठीक है ठीक थी? है हाँ बिल्कुल होता है आपने मुझे याद दिला दिया बहुत ही अच्छा लगा आजकल क्या हो गया ना वो एक फैशन के तौर पे भी आ गया वो पिछड़े छोटे स्टॉल के रूप में भी आ गए हाँ तो कोशिश करेंगे कि आप तक तो उसे उपलब्ध कराएं अगर कल सुबह तक उपलब्ध हो तो लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें मेरे मन में भी था और दोस्तों आप जिनको देख रहे हैं ना आप हैं प्रोफेसर आप प्रोफ़ेसर हैं फाइन आर्ट्स में और आप प्रोफेसर हैं जोग्राफी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कहलाता है आज की डेट में तो बहुत ही प्रकृति प्रेमी है आप जोग्राफी से हैं तो समझ लीजिए आप कितना प्रेम है आप फाइन आर्ट्स से, से हैं तो जंगलों से प्रेम नेचर से प्रेम है तो दोस्तों इस वीडियो में क्योंकि लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर रुकते हैं से प्लीज़ लाइक एंड शेयर थैंक यू वेरी मच